नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और भाई, ब्लॉग की शुरुआत आज हल्द्वानी से हुई, क्योंकि इससे पहले आपने जो ब्लॉग्स देखे होंगे, अल्मोड़ा के देखे होंगे, फिर हम डायरेक्ट हल्द्वानी आ चुके थे, तो उसका ब्लॉग मैंने तुमको दिखाया नहीं था। और आज हम जा रहे हैं भाई छोटा कैलाश, जो कि हल्द्वानी में ही पड़ता है एक हिसाब से, क्योंकि हल्द्वानी के पास पे है, अमृतपुर जगह है ना, वहाँ पड़ता है। और इससे पहले मैंने कुछ टाइम पहले ब्लॉग डाल रखा है होने को, तो छोटा कैलाश का अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो इस ब्लॉग के बाद वो भी ज़रूर से देख लेना। तो आज हम जा रहे हैं छोटा कैलाश, हमारा कल रात प्लान बना, और साथ में कौन कौन आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे मिलाऊंगा। फिलहाल हम तैयार हो चुके हैं और हम यहाँ से निकलते हैं सीधे। तो भाई अभी चलते हैं, साथ में हमारे भट्ट भी आ रहे हैं। भट्ट भाई, बहुत टाइम बाद देख रहे हो आप आजकल भाई, आ रखा तो हमने कहा भाई चलते हैं, कल ही आए वैसे, तो हमारा प्लान बना भाई जाने का। और भाई भोलेनाथ का तो भाई जब बुलावा होता है तभी जाते हैं, तो भाई बुलावा होगा, चलते हैं हम आज। आ जा भाई। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं छोटा कैलाश की ओर को, अभी फ़िलहाल हम हल्द्वानी में ही, हल्द्वानी की गलियों में डोल रहे हैं फिलहाल, तो चलेंगे सीधे, फिर भाई तुमको दिखाते हैं भाई कहाँ से जाता है छोटा कैलाश का रास्ता, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो आज पता चल जाएगा उनको भी, और बढ़िया से दर्शन करेंगे भाई। मौसम भी बढ़िया हो रखा है हल्द्वानी का, और आपको भी कराएंगे दर्शन। अभी फ़िलहाल टाइम भाई 9:30 हो रखा है, तो भाई देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको जाने में आने में। तो भाई अभी 10 बजने वाले हैं, 9:57 हो चुका है, और हम पहुँच चुके हैं भाई मेन गेट पर। यहाँ पर लिखा है कैलाश द्वार, दिख रहा होगा तुमको ऊपर पर, ये मेन गेट है, ये देख रहे हो, ओम नमः शिवाय लिखा है। ये रास्ता भीमताल का है ऊपर को, अब चलते हैं भाई, यहाँ से अंदर भी काफ़ी है भाई। तो भाई लोग जब शिवरात्रि होती है ना, तो शिवरात्रि के पहले रात से यहाँ भीड़ लगने लग जाती है, ये गेट है, यहीं से भीड़ लगने स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ तुमको इतनी चकाचौंध दिखेगी ना रात को, लोग पिछली रात से आना स्टार्ट कर देते हैं, इतनी भीड़ रहती है और पूरा फुल रहता है भाई, पूरा फुल। और यहाँ से करीब 15 किलोमीटर के आसपास है यहाँ तक गाड़ी जाती है, फिर वहाँ से ट्रैक है 3.5 किलोमीटर का। तो भाई सोच लो, लाखों में लोग आते हैं भाई, लाखों में। आपने अगर वाला ब्लॉग देखा ना, उसमें सब बता रखा पंडित जी ने वहाँ के बारे में, कितने लोग आते हैं, क्या आते हैं, वहाँ की सब चीज़ें बता रखी, मतलब मंदिर के बारे में क्या क्या हुआ था वहाँ, सतयुग में क्या हुआ था, हवन हुआ था वहाँ, शिव जी कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, तो वो कहानी आपको उस ब्लॉग में पता चलेगी, इस ब्लॉग के बाद देख लेना। फिलहाल चलते हैं भाई, रास्ते के मज़े लेते हैं, क्योंकि भाई पहाड़ी एरिया है पूरा। हल्द्वानी में ये चीज़ बेस्ट है कि भाई आपको पहाड़ भी मिल जाते हैं, शहर भी मिल जाता है, दोनों का मिक्सअप है भाई। बाकी भाई ये जो जगह है अभी जहाँ पे हम चल रहे हैं, इस जगह को ऐसे अमृतपुर कहा जाता है, यहाँ भी लोग आते हैं भाई। अगर तुमको गर्मी वर्मी लग रही है ना, आगे नदी, यहाँ साइड में पूरी नदी बहती है, तुम नहाने आ सकते हो भाई गर्मियों में, पास पे ही पड़ता है हल्द्वानी के भाई, नदी भी मिल जाएगी तुमको शहर में, और क्या चाहिए। परसों क्या करने आया था यहाँ? नहाने है? नहाने, गर्मी पड़ रही थी यार बहुत, पानी देख रहा तू ये, एक जगह पे कहीं पे इकट्ठा हुआ था वहाँ पे गए हम। एक्चुअल में सही है, हम जैसे ना इतना ही सही है, नहीं यार पानी मर जाएगा ज़्यादा, ऊपर वाले पानी में मतलब हम तैरना जैसे जैसे अल्मोड़ा में हम तैरते थे ना थोड़ा, याद है? हाँ। तो उतना तो कम से कम हम तैर सके थोड़ा सा हल्का सा, डूब भी जाते ना भी। खाली आदमी अंदर जा सकता है उसमें ऐसे, देखिए ऊपर से पानी, शरीर भिगा सकता है थोड़ा सा बस, या तो ऐसा टाइप का होना कह रहा था सीधा, मतलब छत तक ऊपर हो। तो भाई ये रास्ता ज्यादा है नीचे को, नीचे ब्रिज है, तुम यहाँ से भी जा सकते हो नहाने के लिए जाना चाहो तो। भाई अभी हमने काफी रास्ता कवर कर लिया, ये देखो भाई नीचे देख रहे हो खाई, यहाँ तो फिर भी ठीक लग रहा है, अभी उधर साइड तो कितना खतरनाक था वो। और ये देखो रास्ता, यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, कहीं तो पूरी बजरी है भाई, पूरी बजरी, बाकी धुंध हो रखी है, आज मौसम उतना अच्छा नहीं है। वैसे भी कर दे तो वैसे भी दिला देता हूं मैं, और जगह 15 रुपए की दे देते हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं, वैसे भी मैं। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, बाइक पार्क करते हैं, हमने बाइक पार्क कर दी और यहाँ पे पीछे पे हेलमेट रख दिया हमने। अभी हम फिलहाल चाय पी रहे हैं, यहाँ पे चाय बनाने के लिए हमने कह दिए अच्छे अंकल जी, वैसे वो कह रहे हैं हम फ्री में ही पिला देते हैं, पिलाने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा हेलमेट रख जाओ, चाय पीते हैं फिर ऊपर को निकलते हैं। ये देखो भाई कितने सुंदर बना रखा है चूड़ियों से, मस्त लग रहा है चूड़ियों से, कहते क्या है बोलते हैं उसको, कुछ भी कह दो बेचने के लिए तो नहीं है, ऐसे निकाला और ऐसे दे दिया 12 चूड़ियां भी किलो। रास्ता देखो कितना प्यारा सा है, गांव के बीच से जा रहा एकदम, हम कितना आधा चले होंगे, हम अभी 3 किलोमीटर हो गए, 2.5 तो लगा ही ले। ये बात है यार, कोई गांव है यार, ये गांव लास्ट स्टॉप से तो मंदिर आ भाई, सब पसीना
रुकने के पसीने आ रहे हैं। बूंदे दिखाओगे? बूंदे देख रहा था ना लोग, कहीं खाली पसीना तो नहीं कह रहे। बस गाँव में फ्रिज का तो लगाने का मटके का पानी इतना ठंडा कैसे हो गया यार? देखा फ्रिज रखा गाँव में भाई, गाँव भी बड़े तरक्की में हम। तो भाई हम पहुंच चुके हैं, अभी गेट आ चुका है। मैंने का फोटो लेंगे भाई, फोटो भी लेंगे, दिक्कत मत ले। गेट आ चुका है, अब यहाँ से हेड ट्रैक यही काफ़ी है। ठीक है, मतलब भाई फोटो लेनी है क्या? भाई कंफर्म कर ले, ठीक है बहुत है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ठीक है। अब तू चढ़ पाएगा नहीं चढ़ पाएगा, अब तेरा मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। प्यास लग जाए ना भाई को, गांव के भाई हम अलमड़ा से, जल्दी जल्दी प्यास लग जाए इसको, प्यास लग जाए ना पानी ले ले रहा तू। भाई यहाँ पे आपको विश्राम गृह भी मिल जाएंगे छोटे छोटे बैठने के, देखिए कि यहाँ पे और पानी भी मिल जाएगा, यहाँ पे पानी लगा है और विश्राम गृह ऊपर भी है, ऊपर एक शॉप भी है, वैसे वो ऊपर भी दिख रही है, वो छोटा सा टीन जैसा दिख रहा है, यहाँ से साफ नहीं आ रहा बट अभी दिखा दूँगा ऊपर जाएगा। और वहीं पर विश्राम गृह भी है बढ़िया वाला, अभी तो कहाँ है नीचे की ऊपर शॉप भी, दुकान वकान भी है, सुना नहीं होगा तूने, बताया नहीं। ये देखो भाई यहाँ पर दुकान भी है, अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर का करीब ट्रैक बचा है, यहाँ भी सब मिलेगा आपको भाई, आलू के पराठे मट्ठा सब लिखा भी यहाँ पे देख रहे हो, लस्सी मट्ठा आलू रायता चाय कॉफ़ी मैगी सब मिलता है भाई, अच्छा है भाई। और हाँ मिठाई सब दियो, मिठ बढ़ा दियो मिठ। आप चढ़ाई करने में मजा आएगा ना वो बैंक। तो भाई मट्ठा आ चुका है, दूध मिलाई কত মিলা তুমি দি দিনে দি হ্যাঁ ফুল দাও দি বটলে মিলাল সকাওলে বকাওলে সব ভাল সকাওলে বকাওলে আর ঘিওলে বনোনো লো দিন সব তুমি ঠিকে দিলাও তো ওরা চারে আচ্ছা পড়ালো খুব সবলি আলু সা আর পড়া দইলে মিলাল এগা এগা চামচ দইলে মিলাল নাই চামচ भाई। ये देखो यहाँ पे मूर्ति लग चुकी है, अब पिछली बार जब मैं आया था अभी मूर्ति लगी नहीं थी, मूर्ति आई थी वहाँ पे रखी थी शायद से, अब लग भी चुकी है। और यहाँ पे पहले से पानी हुआ करता था भाई, अब पानी नहीं है यहाँ, उसके पीछे का ये है कि यहाँ किसी ने स्नान कर लिया है तब से पानी यहाँ सूख चुका है। तो भाई अभी आ चुके हैं भोजन करने के लिए, ज़्यादा दिया सब्जी कम कमाना सब्जी ज़्यादा होगी क्या? सब्जी ज्यादा है कैसे भाई? ठीक है, उन्होंने वैसे भी सब्जी बताई थी, थोड़े बच्चों के तो रख दिया अलग से। पहली बात तो मैंने उसे चाय बोला था, मैंने कहा था अचार बचार मत करो, चाय दो भाई, यहाँ अचार अचार दही चाहिए मेरे को, चाय के साथ ही खा जाते मेरे से, चाय भी बोलते। तो आप बोल दो ना चाय के लिए भी, बोल दिया बोला उस समय नहीं, वो भूल गए होंगे। अब देखते हैं दही कैसा, और खट्टा तो नहीं हो रहा, चख लेता हूँ भाई। काफ़ी पतला बना है, कोई नहीं, कोई पतला बनाता है, बड़ा भी तो है नहीं, आलू का पराठा नहीं रहता है, सही है, हमारे एक्सपेक्टेशन तो इससे तो अच्छा ही है भाई। हाँ है, लेकिन इतना चार का मैं करूँगा कैसे, बर्बाद नहीं जाएगा ये सब्जी भी अचार तो जाएगा बर्बाद, सब्जी भी जाएगी, सही बात है, ये भी ज़्यादा होगी जाएगा अचार मेरा, वेस्ट नहीं करूँगा लेकिन देखना।